का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज का दिन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी की उस लासानी शहादत समर्पित है। अज दुनिया के अंदर वख वख गुरद्वारा साहबान के अंदर अज गुरु साहब की उस शहादत नतमस्तक किया जा रहा। अज देख रहा मैं कि नगर बदनी विखे परसुराम ब्राह्मण सभा के वलों जिहड़ा प्रोग्राम आयोजित किया गया, ये अपने आप दे विच इक वक्खरा ते विलक्षण है। जिहड़ा कि मैं समझदा कि इहनां दी जिहड़ी साडे बहुत सत्कारयोग खणमुख भारती जिहड़े चेयरमैन ने इस ब्राह्मण सभा दे, जिहड़े पिछले समय तों गुरु साहिब दी इस शहादत नूं नतमस्तक होण लई थां थां प्रोग्राम करदे आ, मैं समझदा कि इहनां दी इस भावना नूं देख के कुल हिंदुस्तान दे लोकां नूं जिहड़ा गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी दे इस कुरबानी नूं नतमस्तक होना चाहीदा। क्योंकि ये देश जे अज आजाद है, आजादी माण रहा ज अपने आप को माण महसूस कर रहा, मैं तो इस तक भी कह दा भावें कि उहदे नाल मैं सहमत नहीं कि ये देश दे बैठे दिल्ली दे बैठे लोग जिहड़े अज इहनूं हिंदू राष्ट्र बनाउण दे दावे कर रहे ने, उस सारे दा जिहड़ा अज दावा करदे उहदे पिछे पिछोकड़ की है, कौन ने? उह गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी की लासानी कुरबानी है, जिस नूं भावें कि कहण वाले लोग ये भी कहंदे ने कि हिंदू धर्म लई कुरबानी की, भावें कि उन्हां दी कुरबानी जिहड़ी मनुखता ते मानवता दे भले लई सी। सो उस समय हिंदू धर्म ते जिहड़ा जुल्म हो रहा सी, उस जुल्म दे खिलाफ़ गुरु साहिब ने अपने आप नूं कुरबान किया, शांतमई एक कुरबानी दित्ती जिहड़ी कि दुनिया दे अंदर विलक्षण है। सो मैं एक बेनती करदा कि कुल दुनिया देश दे लोकां नूं इह गल समझणी चाहीदी आ ते याद करना चाहीदा। तो वेख लो आपां, मैं देख रहा कि इत्थे जिहड़े देश दे जिहड़े हैगे साडे राजे आ जै अज के समय च मोदी है, इन्हों भावें कि अखबारी बयान भी देंगे आ, गुरद्वारा साहब नतमस्तक होंगे अं सत्कार करते हैं, पर गुरु साहब के लिए जोड़ा व्डे कार जोड़े है वह फैसला कौन नहीं होंगे गे। गुरु साहब ने सब तो वही गल आ, उन्होंने ह्यूमन राइट्स की गल की, उस समय के जो ह्यूमन राइट्स का कांड हो रहा है उसके खिलाफ़ आवाज़ बुलंद की। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 9 साल के सी जिन्होंने अपने पिता जी ने यह गल राय दे विच अपनी हाँ मिलाई तो उन्होंने तोरिया चांदनी चौंक जिहड़ा हिंदू जिहड़ा धर्म नूं बचाउण वास्ते अपने पिता जी ने उन्होंने हत्थी तोरिया। वो अज सिखां दे उत्ते बड़ा वड्डा मानवता दे घाण दा जिहड़ा हमला वा, जिहड़े बंदी सिंह आ साडे वो साडे मनुखी अधिकारां दी जिवें कहिंदे हुंदे ने वड्डी हनन हो रहा, वह सजावां भुगत चुके ने पर उन्होंने रिहा नहीं किया जा रहा, एक गल। दूसरी गल जिहड़ी मेरी कही हुई गल शायद अज देश दीआं कुछ राजनीतिक लोकां दे मन ते बड़ा जिवें कहिंदे हुंदे चुभण वाली गल है कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने मानवता दे भले लई कार्ज कीते ने, ते इत्थे हिंदुस्तान दे अंदर कुछ ऐसे राजे आए जिन्हां ने इस लोकतंत्र दे नां ते कलंक है ते मनुखी जिवें कहिंदे हुंदे आ मानवता दा कांड कीता। उन्होंने दरबार साहब जिहड़ा कि साडा सब दा सांझा स्थान है उस ते हमला किया, टैंक तो उचाले दे इस सूबे दे अंदर देश दे अंदर इस पार्टी ने बड़ा वड्डा जिवें कहिंदे आ नरसंहार किया, नसलकुशी की, तो उस नसलकुशी नूं जस्टिफाई भी किया गया। उस इंदिरा गांधी के सपुत्र ने कहा कि बड़ा दरख्त गिरदा तो धरती हिलदी आ, उन्होंने आख्या जे बड़ा दरख्त डिग्गिया तो धरती हिली आ, तो उन्होंने जस्टिफाई किया कि सिखां नूं मारना जिहड़ा वा वो सी जायज़ है, तो इतों दीआं देश दीआं कानून अदालतां ने हाले तक कोई ध्यान नहीं दिता। मैं ये गल कहनी चाहुंदा कि जे सच्चे मन तो इस हिंदुस्तान के लोग जां हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार गुरु साहब की उस कुरबानी नूं नतमस्तक हुंदी आ, तो मैं कह देना चाहुंदा कि भावें कि इंदिरा गांधी का गुरु तेग बहादुर जी महाराज नाल किसी भी तरह असीं तुलना नहीं कर सकते ना कर रहे हैं, पर एक पासे वो लोग ने जिहड़े मानवता के कातल ने इंदिरा गांधी वर्गे, तो दूसरे पासे मनुखता के भले मनुखता के हितों मानवता के लिए जो कुरबानी गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने की है उन्होंने जो सही याद करना, तो इंदिरा गांधी वर्गे जालम जोड़े शासक आ उन्होंने नाम जोड़े हटा देने चाहिए आ। मैं खास तौर पर कह देना चाहना कि देश का जोड़ा सब तो व्डा जोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जोड़ा कि इंदिरा गांधी के नाँ पर आ, इंदिरा गांधी के नाँ तो हटा के इस देश के लिए लासानी कुरबानी करने वाले गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी के नाम नूं समर्पण कर लेना चाहिए। मैं याद दवा देना चाहुंदा कि ये कल्ले असीं इस देश लई नहीं कह रहे, दुनिया के वख-वख थावां दे उत्ते पिछले समय इराक के अंदर सदाम हुसैन के नाँ ते एयरपोर्ट सी, पर सदाम हुसैन नूं जदों गद्दियों लाया गया जां उसदा उसनूं जिहड़ी सज़ा दित्ती गई उस तों बाद ईरान के लोगों ने इराक के लोगों ने उस
ਜਿਹੜਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਗਦਾਦ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ RSS ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।